नमस्कार, लक्षांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूमेंद्र कुमार दिवांगन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों बाद मैं यह वीडियो जो है लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो एटीकेटी वालों का परीक्षा 7 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है, 7 और 8 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, उन सभी का एडमिट कार्ड आ चुका है। और आप सभी को मैं इस वीडियो में बताने जाने वाला हूँ कि आपको कैसे डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड और क्या कॉलेज से उसे अथोराइज्ड साइन करवाना पड़ेगा या नहीं, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं सप्ली वाले एग्ज़ाम की, क्योंकि सप्ली का फॉर्म अभी तक नहीं आया तो कब तक आ सकता है, इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं इस वे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियोस के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको जान लेते हैं कि डाउनलोड कैसे करना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए आप किसी भी ब्राउज़र का मदद ले सकते हैं। ब्राउज़र में आपको लिखना है PRSU univ.in। आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर कि PRSU univ.in लिखा है, और उसके बाद सर्च कर दीजिए। सर्च कर देने पर आपको इस वेबसाइट पर पहुंच गए होंगे। अब पहुंच जाने के बाद आपको क्या करना होगा, एग्ज़ामिनेशन यहां पर लिखा हुआ है, एग्ज़ामिनेशन लॉगिन, इस एग्ज़ामिनेशन लॉगिन को टच करना है। टच करने पर एक नया पेज ओपन होगा, इसमें ऑलरेडी ओपन इसलिए बता रहा है, कई बार ये दिक्कत करता है, इसको आपको बंद करना होगा और एक नए टैब में जाना होगा, और उसके बाद PRSU univ.in। कई बार ऐसा प्रॉब्लम करता है ये। तो यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालने के बाद मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन टैब को क्लिक करते ही यहाँ पर लॉगिन हो गया। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको। सबसे पहले बता रहा है रिक्वेस्ट फॉर डुप्लीकेट मार्कशीट, उसके बाद बता रहा है ऑनलाइन डिग्री, फिर माइग्रेशन, सेमेस्टर एडमिशन कार्ड, एनुअल एग्जामिनेशन एडमिशन और CBS एंट्रेंस। तो आप सभी को अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो एडमिट कार्ड जो है वो इस वाले टैब में आ रहा है, सेमेस्टर एडमिशन कार्ड। तो इसको आप टच करेंगे, टच करने के बाद फिर से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको 3 डिटेल देना होगा, कौन कौन सा देना होगा। पहला है कोर्स का नाम आपको देना होगा, फिर आपको सेमेस्टर देना होगा, फिर उसके बाद स्टूडेंट का टाइप। तो आप जिस भी कोर्स को आप पढ़ रहे हैं उस कोर्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जितने भी है यहाँ पर, ये पूरे सेमेस्टर एग्ज़ाम वालों के लिए हैं, ईयरली वालों का नहीं आया है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं जैसे बात कर लूँ बैचलर ऑफ एजुकेशन की, सेमेस्टर होगा यहाँ पर, आप जितना सेमेस्टर हो सकता है मैक्सिमम 10 है यहाँ पर। जैसे सेकंड सेमेस्टर वाला है तो सेकंड टच करेगा। स्टूडेंट टाइप में 3 टाइप होता है, रेगुलर, एक्स्ट्रा रेगुलर और ATKT। तो भैया हम ATKT का दिलाने वाले हैं अभी, क्योंकि वो सप्ली कहलाता है, रेगुलर वाला तो है ही नहीं। ATKT का एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं तो सर्च कर दो। सर्च कर देने पर यहाँ पर ये नो डाटा फाउंड इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये जो लॉगिन जिस आईडी से किया हूँ वो बंदे का तो ATKT आया ही नहीं है ना, इसीलिए। अब जैसे अगर ये अगर रहता इसका तो यहाँ पर से यहीं पर डायरेक्टली यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। फिर ग्रीन कलर का ऐसा ही टैब रहेगा, वहाँ पर लिखा रहेगा डाउनलोड। इस डाउनलोड को आप टच करेंगे, उसके बाद PDF रूप में डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको मैंने पहुँचा दिया। डाउनलोड हो जाने के बाद ध्यान रखिएगा कि लॉग आउट करना ना भूलें। क्या होता है कि आप लॉग आउट करना भूल जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है, जब आप दोबारा लॉग इन करने जाते हैं तो उसमें दिक्कत आने लगती है, क्योंकि आप पहले टाइम में लॉग आउट नहीं किया होता है इसीलिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसके बाद लॉग आउट करके वापस आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और बताऊं, उसी वाले लॉगिन आईडी से आपको अगर माइग्रेशन का फॉर्म भरना होगा तो माइग्रेशन का फॉर्म भी वहीं से भरा जा सकता है। डुप्लीकेट का मार्कशीट का फॉर्म भरना है तो वो भी डुप्लीकेट का फॉर्म भर सकते हैं वहाँ पर। तो ऐसे जो है यहाँ पर, और ऑनलाइन अगर डिग्री चाहिए तो भी वहीं से फॉर्म भरा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके हमें बताइए कि आप जो है कैसा वीडियो चाहते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सप्ली वालों की, सप्ली फॉर्म के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सप्ली, ओहो, सप्ली फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो सप्ली फॉर्म 2020 के बारे में बात करें तो देखिए, आप लोगों को मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि अब जो फॉर्म का डेट आने वाला है वो जनवरी 20 के बाद, मतलब कि लास्ट वीक में आएगा। ठीक है,
अभी मैं ये अंदाज़ा आपको बता रहा हूँ, आप इसको कंफर्म मत मान लीजिएगा, वरना आप सभी कमेंट में बोलने लग जाते हैं कि आखिरी हो गया, फिर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। तो भैया मैं आपको बताऊं तो एस्ट्रोलॉजर भी होगा ना, ज्योतिष शास्त्री, वो भी पीआरएसयू का भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कब क्या करेगा। तो ये आपको क्लियर मैं बात बता दूं। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप लोगों को सप्ली का जो फॉर्म फिलअप स्टार्टिंग जो होगा वो होगा आपका जनवरी लास्ट वीक की बात, जनवरी लास्ट वीक की बात मैं कर रहा हूँ, ये इस टाइम में आएगा, हो सकता है पहले आ जाए। तो ये हुआ फॉर्म भरने का, फॉर्म कैसे भरना है ये हम बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। और फॉर्म जिस दिन आएगा उसी दिन फॉर्म मत भर देना, और लास्ट वाले दिन भी फॉर्म मत भरना, ये दिक्कतें आती है। इसीलिए मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो पहला दिन को छोड़कर दूसरे दिन में ही बनाता हूँ, ठीक है, इसीलिए एक दो दिन बाद। तो ये हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये है आपकी कि दूसरा ये कि उसका प्रिंट आउट निकाल के क्या कैसे करना है, ठीक है। तो ये सब बातें हम उस पर बताएंगे। अभी फ़िलहाल आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, जो कि आप सभी को बता दिया गया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है कैसे। और एडमिट कार्ड को जब प्रिंट आउट ले लेंगे तो प्रिंट आउट लेने के बाद आपको साइन कराना है या नहीं, ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये कॉलेज पर डिपेंड करता है। कारण क्या है, देखिए कई कॉलेज वाले क्या करते हैं कि एडमिट कार्ड में साइन करवाने बोलते हैं, जबकि कई कॉलेज ऐसा है कि भैया आपको जब ऑनलाइन सुविधा दी गई है, ऑनलाइन डाउनलोड करने का जो फ़ायदा दिया गया है कि आपको बार बार कॉलेज ना आना पड़े, या आपको फिर से उसको जो है मतलब हार्ड कॉपी निकलवा के उसको वो करना मत पड़े, तो भाई उसको समझना चाहिए ना। ऐसा रहता जब कॉलेज से साइन करवा कर वाला ही लेना है तो भैया वहीं से करवा के दे देते, भले 10 रुपये ले लेते, तो मतलब क्या है ऑनलाइन लाने का। ऑनलाइन तो लाने का मतलब तभी है ना जब उसको पीआरएसयू ऑथराइज्ड करके निकाल रहा है, तो फिर उसमें ये सब करने की क्या ज़रूरत है कि उसको फिर से साइन करवाना है ना। तो ये चीज़ें जो है उसको ध्यान में रखनी है आपको, आपके कॉलेज वाले क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको करना है, ठीक है दोस्तों। तो आशा है आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन पर आप जाकर कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं हमसे कनेक्ट होना, हमसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर बने हुए ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप जैसे ही फॉलो करेंगे तो आप सभी को जो है उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ से आप कन्फ्यूज़न आप पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षांश कोचिंग क्लासेस, बने रहिए हमारे साथ नए वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।